आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे स्टूडियो में आए हैं सीए अभिषेक राजा राम सर। और सर का अपने आप में एक पूरा ब्रांड है जीएसटी में। ट्विटर पर आप देख सकते हैं सर को कि कितने एक्टिव रहते हैं सर। और सर का जो फेमस टैगलाइन है कि मतलब कि रेवोल्यूशनरी राजा, और मतलब सर आप बिल्कुल उसमें फिट बैठते हैं। तो आज हमने सर को बुलाया है एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। ठीक है सर, डिस्कशन ये है कि जो अभी जीएसटी में इश्यूज आ रहे हैं सर, मेरे को आपके बारे में पता चला है, आप डेली हाई कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ते हैं और पूरे साल में लगभग 200-250 जजमेंट्स आप पढ़ डालते हैं। लेकिन अब सर जीएसटी में जो ये हाई कोर्ट की जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट पर जाने लगी है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो हमारा एक फेमस केस लॉ है सफारी वाला, सफारी प्राइवेट लिमिटेड का, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हमारे दर्शकों को बताएं सर। नमस्कार, थैंक यू कपिल सर, सबसे पहले आपने इनवाइट करा इतने बड़े चैनल पर। रिगार्डिंग देखिए हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं तो उस पर चैलेंज करने का देखिए डिपार्टमेंट के पास भी राइट है, हमारे पास भी राइट है। फॉर एग्जांपल कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं जिनमें पूरी तरह से वो कह देते हैं कि भाई हाई कोर्ट का जजमेंट सही नहीं। फॉर एग्जांपल जो हमारा के बैन का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, या हिमाचल प्रदेश का जो बैंक फ्रीज पर आया था, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जहां पर हाई कोर्ट के जजमेंट पूरी तरह पलटे गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सफारी रिट्रीट में ऐसा नहीं होगा। सफारी रिट्रीट अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, दो इट इज़ अ हाई कोर्ट जजमेंट बट आई कंसिडर इट एज अ लैंडमार्क जजमेंट। और इस जजमेंट का पलटा जाना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट चैलेंजेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17(5)(d), जो कि है कि भाई आपका एक चेन ऑफ इवेंट्स है, जब तो आपका चेन ऑफ इवेंट्स होता है उसको चैलेंज करा गया। बिकॉज व्हेन अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड अमाउंट एंड फ्रॉम दैट ही इज जनरेटिंग रेवेन्यू, सो यू आर टैक्सिंग द रेवेन्यू वट एवर इज बीन जनरेटेड। और जब रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आईटीसी का क्रेडिट आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? एंड उड़ीसा हाई कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद द नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लॉज बाय द डिपार्टमेंट, एंड इन दैट वे आई कंसीडर दिस लैंडमार्क जजमेंट, जो कि वी से दैट द हाई कोर्ट वाज अनहैप्पी इन सो मेनी रीजंस, और अभी तक डिपार्टमेंट इस पर स्टे नहीं ला पाया। इनफैक्ट द हियरिंग आर टू बी स्टार्टेड विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर इसमें जो मेन मुद्दा है, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताए कि जो सेक्शन हमारा 17(5)(d) है वो ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आपको जो है आईटीसी हम नहीं देंगे। किस केस में नहीं देंगे? अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस ली कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। तो जो हमारा उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप आईटीसी ले सकते हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लगता है, क्या ये आईटीसी अलाउ करेगा या ये आईटीसी को डिनाई कर देगा? देखिए द वर्डिंग ऑफ 17(5)(d) इज क्लियर। When you get this property constructed, immovable property, so this is, in my understanding, it is for work contract. So, जहाँ पर ये बात थी that I have invested for myself. So, Safari Retreat ने क्या करा? इन्होंने Opland एक mall बनाया, mall में वो rental पर दे रहे थे, and as you all know, the commercial renting is chargeable to GST. Right. तो जब कॉमर्शियल रेंट एक इन्वेस्टमेंट से जनरेट हो रहा है, तो जो उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पर तो आप टैक्स ले रहे हो। तो जब आप टैक्स ले रहे हो तो चेन ऑफ इवेंट्स है, तो भाई आप डिनाई कैसे कर सकते हो? बिकॉज दिस वॉज नॉट फॉर सेल और वो अपने यूज के लिए भी नहीं दे रहे। तो सफारी रिट्रीट सेड दैट दिस इज नॉट फॉर माई सेल्फ, दिस आई एम यूजिंग एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। और अगर यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये अफर्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये अगर हम इसकी प्रिंसिपल्स डिराइव करेंगे, तो भाई मान लीजिए एक होटल वाला है और उसने एक टैक्सी ली, उसने एक कार खरीदी, एंड द कार इज यूज फॉर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ हिज गेस्ट।
तो एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप हो रहे हैं गेस्ट का, राइट, तो उस केस में भी आईटीसी व्हीकल का तो डिनाय हो जाता है, राइट। बट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से और चेन ऑफ इवेंट से अगर आप समझें, राइट, तो दिस इज फॉर 100% फॉर द बिजनेस पर्पसेस, राइट। आपने लॉ में लिखा है ना आईटीसी इनपुट्स की डेफिनेशन क्या है, यूज फॉर बिजनेस और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। तो अगर वहां पर सफारी रिट्रीट एक्सेप्ट हो जाता है, अफर्म हो जाता है, ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अफर्म हो गया, तो इसकी प्रिंसिपल्स हम और भी बहुत जगह बहुत बिजनेसेस में लगाई जा सकती हैं, एंड दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि क्रेडिट तो बनता है। आप नैरो इंटरप्रिटेशन से क्रेडिट को डिनाय नहीं कर सकते। और जहां तक कंस्ट्रक्शन की वो डेफिनेशंस में जाते हैं, तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी नैरो। तो सर यहाँ पर इस बात को आपको समझना है कि अगर आपने कोई भी ऐसा आईटीसी ले रखा है जो कि आपका सेक्शन 17(5)(d) में मना है या 17(5)(c) में मना है, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिसेस भेज रखे हैं और वहाँ पर आपने उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट का सहारा लेकर उसमें आप फाइट कर रहे हैं और फिर भी डिपार्टमेंट आपका आईटीसी मना कर रहा है, तो आप कुछ दिन और वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके फेवर में आ आती है तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होगा, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि इस लैंडमार्क जजमेंट से हमारे और जो ब्लॉक आईटीसी है, जैसा कि हमारा व्हीकल का ब्लॉक आईटीसी है, उसके लिए भी हमारे पॉजिटिव वे खुलने की उम्मीद है। तो यहां पर आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कहता है, और सर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। सर इस वीडियो में और कुछ आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को? मुझे ये नहीं लगता कि इसका बहुत जल्दी जजमेंट आने वाला है, क्योंकि इट इज़ इन सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर एक बार ये स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी, नोटिस इशू होंगे, इट विल टेक टाइम। मीनवाइल अगर आपने किसी और स्टेट में इस जजमेंट के बेस पर क्रेडिट ले रखा है, तो डिपार्टमेंट आपको रिवर्सल करवा सकता है। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना भी चाहें और क्रेडिट अगर आपने एज अ डेवलपर सफारी रिट्रीट को लेकर आपने ले लिया, तो आप उसे अवेल तो कर लें, यूटिलाइज ना करें, राइट। जिससे कि अगर बाद में कभी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है और तब तक मान लीजिए ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आया या रिवर्स आया, तो आप क्रेडिट को रिवर्स कर देंगे, तो कम से कम आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। अवेलमेंट आप इसलिए कर लीजिए, अदरवाइज 616 सबसेक्शन 4 से वो टाइम बारिंग हो जाएगा। अगर आप यूज करना चाहते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड एट दिस मोमेंट, कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, आई विल नॉट रिकमेंड टू अवेल एंड यूटिलाइज। तो यहाँ पर हमारा भी यही वे है कि भाई आपका जो आईटीसी, अगर कुछ इस तरह का आपका आईटीसी है जो डिस्प्यूटेड आपको लग रहा है, आप उसे एक बार आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो 16(4) की कंडीशंस आपकी लैप्स हो जाएंगी और उतने अमाउंट को आप यूज़ ना करें, उसे क्रेडिट लेजर में ही रखें। क्योंकि होता क्या है कि अगर 4 साल बाद कोई जजमेंट आती है या कुछ डिसीजन आता है, तो सर मेरे हिसाब से वो इंटरेस्ट ही प्रिंसिपल अमाउंट जितना हो जाता है, जो कि बहुत ही हार्डशिप होती है। तो अगर आपको कभी भी कोई डिस्प्यूटेड आईटीसी लग भी रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी यूटिलाइज ना करें, जिससे कि आप इंटरेस्ट से सेव हो सके। सर और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दिस एडवाइस इज ऑन अ पर्सन नोट, बिफोर क्लेमिंग और टेकिंग एनी एक्शन ऑन बेसिस ऑफ दिस एडवाइस, प्लीज टेक योर वे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप चेक कर लीजिए। हमारे यूट्यूब पर एक लाइन बोल देने के बेस पर आप We don't have any ये professional advice नहीं है, ये सिर्फ हमारा और सर का views है। This is not a professional advice. This is not a professional advice. और बाकी सर मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सर, आप हमारे YouTube चैनल पर आए। और अगर किसी ने अभी तक सर की किताबें परचेज ना करी हो, सर मैंने आपकी एक किताब पढ़ी है फेक इन्वॉइसिंग के ऊपर, और मतलब कि वो एकदम औसम है। तो अगर आपको वो किताब परचेज करनी है, तो सर कहाँ पे लोग भाग ले सकते हैं? आपसे लेंगे KJ क्लासेस से। तो वो किताब आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते, और अदरवाइज आपको कहीं पर भी वो किताब मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सर अपने दर्शकों के भाव पर, 1,75,000 सब्सक्राइबर के भाव पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू जी।